फास्ट वे के डायरेक्टर अनिल खुराना ने केडी हॉस्पिटल में जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई, जिसकी जानकारी में डॉक्टर जगतेज सिंह ने कहा कि इस वैक्सीन से लोग सुरक्षित रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि लोग आगे आकर इस वैक्सीन के प्रति अपना विश्वास जताएं, इसे लगवाएं और सुरक्षित रहें, तभी कोरोना की इस जंग को पूरी तरह से जीता जा सकता है। जो वैक्सीन लगा रहे हैं ये लोगों के बीच एक बड़ा बड़ा भ्रम है कि वैक्सीन कोई कहना फलाने ब्रांड की अच्छी है विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द ब्रांड, कोई कहना फलाना ब्रांड अच्छा है, ये बारे तुम की कहोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है सारे वास्ते, हुन जिन्हां दी एज 60 तो उपर, हुन ते सरकार ने 50 भी करती है, प्लस डायबिटिक स्टिल 45 ईयर्स करता है, और तुसी रोज़ देख रहे हो किन्ने लोग अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं। इट इज़ इमटीरियल, हुण तां जो थर्ड फेज ऑफ FDA दा ट्रायल तो भी वैक्सीन नू अप्रूवल मिल गई है, सो इट इज़ सेफ। आई सपोज सब नू ये वैक्सीन लगवानी चाहिए है, क्योंकि जो हुण असी पिछला एक पूरा साल असी वेस्ट किया या जो भी सानू घर बैठना पिया, बिजनेस लॉसिज ने, वट एवर हैल्थ लॉस होया, सानू वी हैव लॉस्ट सम पीपल वर वेरी क्लोज टू अस, सो आई थिंक असी नहीं चाहते भी इस साल भी असी या इस वायरस नू मौका देइए भी फिर तो साडी लाइफ नू उस तरीके नाल अफेक्ट कर सके। सो आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज एवरीबडी भी तुसी ये वाली वैक्सीन जरूर लगवाओ। हुण गवर्नमेंट ने जो सिविल हॉस्पिटल जाते हो लगता है भी रश है, तो हुण प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नू भी मिलनी शुरू हो गई है वैक्सीन, तुसी उत्थे भी लगवा सकते। पर इस हाले कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है? नहीं सर, उन्होंने वाले हाले इंस्ट्रक्शन नहीं आई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हाले फोकस कर रही है कुछ एल्डरलीज वाले पासे जिन्होंने जो ज़्यादा प्रोन ने, यंग विच हाले इम्यूनिटी ज़्यादा होंगी है, सो प्रोबेबली सैकेंड फेज ऑफ दिस वैक्सीनेशन विच यंग्स नू भी असी, यंग लोगों नू भी असी इनवॉल्व कर लांगे। डॉक्टर साहब एक लोगों के विच एक धारणा है कि जिन्हों कोरोना हो चुका है उन्होंने शायद वैक्सीन लगाने की लोड़ नहीं है, इस दे बारे की कहोगे तुसी? नहीं सर, वैक्सीन हर किसी ने लगवानी चाहिए है, हाँ वो थोड़ा सेफ इस करके है कि थोड़ी बहुत ही एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं एंड इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है, बट दिस डजंट मीन कि कोरोना दोबारा नहीं हो रहा, और हुन आज दे टाइम ते असी मेयर्स लेने छाड़ते ने और लेकिन केसेस बढ़ रहे ने और मोर विरुलेंट एंड रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ कोरोना हुन जो पीपल जो लोगों को इफेक्ट हो रहे ने वो ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन है, सो आई सपोज भी जिन्होंने कोरोना हो भी चुका है थोड़े सेफ ने पर 100% नहीं है, सो आई थिंक जब चांस लगे तो अपने वालों अपने आप को वैक्सीन जरूर लगवाओ। जी मेरा नाम शुभम सैनी और मैं डॉक्टर KDI हॉस्पिटल में जो कोविड की वैक्सीनेशन लग रही है उसमें CVC मैनेजर हूँ, और उसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस रहता है 60 साल के ऊपर वाले लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है, हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और जैसे 45 से कोई 60 साल के बीच में जिसकी एज है तो उसको अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो जो गवर्नमेंट की लिस्ट में है तो अगर उनको भी रजिस्टर किया जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप हमारे हॉस्पिटल में कोई अपना फ़ोटो ID कार्ड जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और 10-10 के बैच के साथ हम वैक्सीनेट कर रहे हैं सबको, और एक डोज लगने के बाद 28 दिन के बाद दूसरी डोज के लिए भी हम कॉल कर देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए रजिस्टर हो जाता है। सर जो वैक्सीन लग रही है वो 250 जो है वो किस लिए चार्ज की है? जी गवर्नमेंट के जो हमें दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें नोटिफिकेशन आया कि 250 इसका चार्ज करना, और हमें भी ये पेड पे ही पेमेंट पे ही मिल रही है। लगा रहे हैं हमारी 17 वैक्सीन लग चुकी है, और आज कितनी लगी है? आज 7 लग चुकी है। टोटल 17 लग रहा है? हाँ टोटल 17 लग चुकी है। और हर कोई लोग क्या फील करते हैं, किसी को दर्द वर्द होती है? कोई दर्द नहीं हो रहा किसी को, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कैसे लग रहा है, क्या हो जा रहा है। और दूसरी वैक्सीन कब लगेगी? दूसरी 28 दिन बाद लगेगी।